कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की मुतवल्ली ज़िम्रे के लिए इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर चल रही है। 19 नवंबर को ये मुतवल्ली ज़िम्रे के दो कैंडिडेट को उम्मीदवारों को कर्नाटक के तमाम जो वक्फ के इदारे मुतवल्लीजात हैं उनको इंतखाब करना है। इस सिलसिले में दक्कन की और मुल्क की जो मशहूर दरगाह है, दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदनवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, उसके सज्जादे नशीन मोहतरम जनाब सैयद शाह अली अल हुसैनी प्रो चांसलर केवियन यूनिवर्सिटी इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। वो एक काबिल पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता और वक्फ के जो मसाइल हैं उन तमाम उमूर से वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, होना भी चाहिए क्योंकि वो एक नौजवान हैं। और ना सिर्फ वो दीगर उर्दू में बल्कि अरबी में भी काफ़ी महारत रखते हैं, वो एक हाफिज़ भी हैं और वक्फ के लिए जो मसाइल हैं वो उसको बड़ी अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और वक्फ की अहम ज़रूरत है कि ऐसे नौजवानों को वक्फ इदारों में लाया जाए, वक्फ बोर्ड में लाया जाए ताकि वक्फ के जो तमाम मसले मसाइल हैं और जो जो काबिज़ इन वहाँ पर जो सर उठाए हुए हैं ऐसे हजरात जब जाएंगे तो यकीनन उसका उन मसाइल का हल जल्द से जल्द निकल कर आएगा। तो मैं कर्नाटक के तमाम जो मुतवल्लान हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि वो इन नौजवान को जो मुतवल्ली ज़िम्रे में इंतखाब लड़ रहे हैं उनको एक प्रेफरेंशियल वोट नंबर 1 दे करके भारी अक्सरत से जिताएं। मोहतरम मरहूम सज्जादा नशीन सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला भी इस वक्फ के रुकन के हैसियत से पिछले मरतबा मुंतखब हुए थे। उनकी हयात में उन्होंने सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब क़िबला को बहुत अच्छी तरीके से वक्फ के मामलात के मसाइल और उनसे वाकिफियत उन्होंने बखूबी उनको करवाई है, तो इससे उनका ज़रूर इससे वक्फ इदारे को फ़ायदा होगा। लिहाजा वो मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि वो आप 19 नवंबर को सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब क़िबला को भारी अक्सरत से कामयाब करके वक्फ कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड में नुमाइंदगी करने का मौका इनायत फरमाएँ।